20 मार्च 2018 को बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर फैयाज की संदिग्ध अवस्था में उनके हॉस्टल में उनकी मौत हो गई थी। अभी 2 महीने होने को हैं, अभी तक इस पर कोई इंक्वायरी या कोई सुनवाई या कोई रिजल्ट नहीं आया है। कटिहार पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बहुत सारा बात किए, उसके बाद सब बोले कि अम्मी आप हमसे उम्मीद क्या रख रही हैं, हम पर तो दुश्मन लगा हुआ है। मैं बोली बेटा कौन दुश्मन लगा है बता दो। तो बोले कि अम्मी आप किसको पहचान रही हैं और किसको जान रही हैं। इसके बाद से वो फ़ोन काट दिए। उसके बाद से फिर मैं 1 बजे रात को ट्राई की फ़ोन करने के लिए, तो मैं फिर फ़ोन रख दी। मैं सोची कि बाबू मेरा सो गया होगा तो फिर डिस्टर्ब नहीं करूँगी। 8:30-9 बजे कटिहार मेडिकल कॉलेज से लड़का सब फ़ोन किया, सब की आंटी आप कहाँ हैं, आप आ सकती हैं यहाँ कटिहार। मैं बोली क्या हुआ, तो बोल रहे कि आप आने को बोलिए ना, आ रही हैं कि नहीं आ रहे। इसलिए मैं लगी रोने चिल्लाने की, मेरे बच्चा को तो मार दिया सब, रात में 11 बजे रात में हमसे बोले कि दुश्मन लगा है, वो नाम नहीं रखे कौन सा दुश्मन। उसके बाद से वो 12 बजे करीब कही बात है, उसके बाद से मेरे आँख का दिन हराम हो गया। 8:30-9 में फोन किया सर, मैं बोली कि मेरा बेटा कहाँ है, तुम लोग मेरे बच्चे से बात कर रहा हो। तो बोल रहा है सब कि वो गए हैं पंच करने। मैं बोली कि पंच करने जाता है तो वो तो अपना फूल लेकर जाता है, और फिर तुम लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि पंच करने गया है। बताओ तुम लोग क्या किया है सब उसके साथ। बोला कि आंटी आप आ जाइए कटिहार। फिर सब को ले करके हमको गए कटिहार में। कटिहार में पहुंची मैं 7:30-8 बजे के रात में। मैं देखी कि इमरजेंसी वार्ड में मेरा बच्चा मरा हुआ पड़ा। मैं देख कर मैं पागल हो गई थी, और मैं पागल से पढ़ने में तेज़ थे तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करते थे। तो स्टार्टिंग से बोलते थे किस कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया है। बोलते हैं कि मैं बोलते थे कि मैं अफसोस करता हूँ इस एडमिशन लेके इस कॉलेज में। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस कैरेक्टर का लड़का रहा होगा, एकदम अलग। बाकी लोग तो रहते हैं कि जैसे चल रहा है डिग्री लेके निकल जाएंगे। डिग्री तो उनको भी मिलती है, ऐसा नहीं कि डिग्री नहीं मिलती। वो किस बात से मतलब कॉलेज से इस तरह से रहा करते थे। तो कॉलेज वाले का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था। प्रैक्टिकल में जो फेल किया था वो पास करने के लिए झाजी 7 लाख रुपए मांगे थे। इन्होंने बोला मैं क्यों दूंगा, ये तो मेरा हक है कि मैं जिस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ उस तरह से मुझे पास होना है, मुझे डिग्री लेना है। तो नहीं दिए थे उन्होंने पैसा, मैं क्यों दूंगा। तो गवर्नर से पैर भी लगाया था, तो जाके गवर्नर को एक अच्छा एप्लीकेशन लेके दिया था कॉलेज के खिलाफ। तो उस समय से कॉलेज एकदम उसका रवैया बिल्कुल अपोजिट था। कई बार बोला कि हॉस्टल छोड़ दीजिए, तो वो बोले कि हॉस्टल क्यों छोड़ कर जाऊँगा जब मैं 2 लाख रुपये महीना सालाना देता हूँ। और आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि एक हॉस्टल में जहाँ पर एक छोटे से रूम के लिए आप 2 लाख रुपए देते हैं सालाना, वहाँ एक कैमरा नहीं है कॉरिडोर में, पूरे कॉलेज में नहीं है। आप एक बार जाके खुद देखिए, पूरे कॉलेज में एक कैमरा नहीं है। एक कैमरा आपको मिलेगा मेन गेट पे जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग हो तो ये सब बाकी सब जो हो रहे हैं काम बिल्कुल उस पर अंकुश लग जाएगा। तो इसीलिए वो कैमरा तो इंस्टॉलेशन करा ही नहीं सकते, करा ही नहीं रहे हैं वो लोग ना। ना ये गवर्नमेंट देखती है कि इस कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग उसके मेंबर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे उस कॉलेज के मेंबर हैं जो आला अधिकारी हैं बहुत सारे, जो इसीलिए अगर हम उनके पास जाते भी हैं अपनी गुहार लेके तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। तो नए DSP आए हैं, उन्होंने हम लोगों को सांत्वना दिया है कि इन्वेस्टिगेशन चलेगा और मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और बहुत जल्दी ही इस पर मतलब कुछ पॉइंट उन्होंने मांगे थे कि क्या क्या आप किस पे शक है, आप मतलब किससे आप चाहते हो कुछ को नाम देने के लिए तो आप नाम दे सकते हो और मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, मैं दूंगा। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एनी इन्वेस्टिगेशन स्टिल। व्हाट हैपन यू नो, दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन एज फ्रॉम देयर साइड कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो मतलब 1 महीना पहले जब अबू गए हुए थे अम्मी के साथ वहाँ पर SP साहब से मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं केस के, कि मैं 1 हफ्ते में आपको बता दूंगा किसने मर्डर किया है। नाउ दे आर डाइवर्टिंग एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल पॉइंट दे आर चेंजिंग। वो एक एक पॉइंट को चेंज कर रहे हैं कि कभी बोलते हैं ड्रग्स का मामला है, कभी बोलते हैं कि उनको मिर्गी आती थी, कभी बोलते हैं कि लड़की का मामला है। तो मेरे ये नहीं पूछ रहा था कि बचपन में आप कौन से खिलौने से खेलते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मर्डर कैसे हुआ, आप ये बताओ ना। वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि पहले कितने केस ऐसे हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई आगे नहीं गया। तो पुलिस को पहले से कॉन्फिडेंट था कि ये भी केस आगे तक नहीं जाएगा। दे वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दिस केस विल नॉट गो अप।
इसीलिए उन्होंने क्या किया, कॉल रूम भी सील नहीं किया, 50 लोग रूम में जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई सबूत नहीं रखा जो लेके गया। आज तक आप ये बताइए कि वेसरा रिपोर्ट नहीं आया है, मतलब उसमें भी कौन कुछ कॉन्कक्शन कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। वो बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। और हम लोग को भी उसने एक लेटर भेजा है, कि आप आके हम लोगों से माफ़ी मांगिए कि आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं जो मेरी प्रतिस्पर्धा जो है और मेरे जो समाज में मेरा नाम है उस पर सवाल उठ रहा है। मैंने सीएम साहब को 2 बार एप्लीकेशन दिया है, मैंने राज्यपाल साहब को 2 बार एप्लीकेशन दिया है, मैंने ह्यूमन राइट कमीशन न्यू दिल्ली को भी लिखा है, डायरेक्टर जनरल को भी लिखा है मैंने, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन मुझे कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया अभी। कॉलेज की तरफ से हम लोग को बाकायदा एक लेटर आया है, एक नोटिस आया है, मतलब थ्रेट ही है वो एक तरह से, आप एक नोटिस आया है कि आप आके माफ़ी मांगें। इनकलाब जो न्यूज़पेपर है पटना में, वहाँ उनको भी धमकी गई है। केस जो है लोकल कटिहार का है एंड इज़ वेरी पावरफुल, यू कैन अंडरस्टैंड हुज़ नेम आई एम गोइंग टू टेक, कि कटिहार मेडिकल कॉलेज जिसका है इज़ वेरी पावरफुल, यू कैन डू एनीथिंग फॉर एनीथिंग, दैट इज़ वाई वॉट आई एम लुकिंग लाइक फॉर दैट ओनली आई हैव कम इन न्यू दिल्ली। दिस SIU पीपल दे आर सपोर्टिंग एंड इवन आई एम लुकिंग अदर पीपल टू सपोर्ट, प्लीज़ न्यू दिल्ली ऑल्सो पीपल टू कम अप टू सपोर्ट अस in this investigation so that Dr. Fayaz can get justice. मैं तो ये मेरा एकदम सिंपल सवाल है बिहार गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री जी से कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब छोड़ते हैं कि आपके पास शिकायत आए, आप उसकी शिकायत सुने, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बहुत बार मेल किया, बहुत बार मैंने फैक्स किया, कॉल किए मैंने, बहुत सारे मैंने ये देखिए रजिस्ट्री भी मैंने किया यहाँ पे, लेकिन मुझे एक बार भी रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मेरा सवाल ये है कि आप जो नंबर छोड़े हैं इंटरनेट पर इधर उधर दिया है वो तो वेस्ट है एकदम। आज तो कॉलेज वाले कभी भी खबर नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ।